YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, अगर मार्केट क्रैश होता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको ब्रेक करने के बाद हम मानेंगे कि टेक्निकल चार्ट पर मार्केट क्रैश हो सकता है या एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ ही साथ बताएंगे कौन से स्टॉक्स में आप आगे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है और अगर यहाँ से गिरावट होती है तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी का 16,800 है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए 16,800 के लेवल को ब्रेक कर चुका है, या कहें हम जो यहाँ पर डिमांड जोन है उसको ब्रेक कर चुका है निफ्टी। अब यहाँ पर होगा क्या, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा फिर से इस रिटेस्ट करे जो 16,840 है, या 16,800 के लेवल को रिटेस्ट करे और फिर यहाँ पर गिरावट को कंटिन्यू करे, या यहाँ पर देखें तो ये कैंडल जो एक बहुत ही बड़ा बियरिश मारू बाजू कैंडल है और इस कैंडल को मिला लेते यह बियरिश इनगल्फिंग कैंडल भी है, तो जो कि स्ट्रॉन्ग साइन है कि निफ्टी में यहाँ पर शॉर्ट टर्म एक गिरावट हो सकती है। लेकिन ये बहुत सारे ग्लोबल न्यूज पे भी डिपेंड करता है कि निफ्टी जो है यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहेगा या इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने के बाद फिर गिरावट को कंटिन्यू करेगा। अगर कल हम यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद आज के लो को ब्रेक करते हैं कल तो निश्चित रूप से गिरावट फिर कंटिन्यू रहेगा। आपने इंपॉर्टेंट जो रेंज था उसको भी ब्रेक कर चुका है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे कि इस रेंज को ब्रेक करता है मतलब 16,800 के लेवल को और ऊपर अगर ब्रेक करता है 17,400 के लेवल को तो हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। तो आज मिला भी, देखिए 16,800 को ब्रेक किया तो ये डायरेक्ट 16,650 के भी नीचे का लो लगा चुका है, तो काफी मतलब यहाँ पर 150 पॉइंट्स का रैली हमें देखने मिला। अब नीचे जो शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ सपोर्ट ले सकता है वो लेवल है 16,450 का। 16,450 पे निफ्टी या 16,500 पे ये रेंज है, मतलब जहां पर निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है सपोर्ट ले। फिर 16,450 को ब्रेक करने के बाद निफ्टी जो है जो अपना इम्पॉर्टेंट ये जो स्विंग लो बनाया है, ये जो स्विंग हमें देखने मिला और इस स्विंग के लो तक आ सकता है जो कि है 15,700 का लेवल। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम निफ्टी में एक फ्री फॉल देख सकते हैं। तो फ्री फॉल जिसको हम स्टॉक मार्केट क्रैश कहते हैं वो हमें तब देखने मिलेगा जब ये 15,700 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम यहाँ पर फ्री फॉल गिरावट जो होता है जिसको हम मार्केट क्रैश कहते हैं वो हमें देखने यहाँ पर मिल सकता है। तो इस इंपॉर्टेंट लेवल से अभी हम काफी दूर हैं और किस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है उसको ध्यान रखना होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल हम आज के क्लोजिंग से नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो फिर हमें गिरावट कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है। फिर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी का, तो देखिये बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 35,500 का लेवल। अगर 35,500 के लेवल के नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी 35,500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद काफी तेजी से 35,250 तक का मोमेंटम दिखाया। अब यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जो डिमांड जोन है 35,000 का लेवल, अगर 35,000 को ब्रेक करते हैं तो फिर ये डायरेक्ट यहाँ पर 34,200 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। तो 35,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, कल हम देखते हैं 35,000 के लेवल को अगर ये यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड का एक तेज मोमेंटम देखने मिलेगा। वहीं पर जो रेंज था जिस रेंज की हम बात कर रहे थे 37,000 के लेवल को ऊपर ब्रेक करता तो फिर हम बुलिश हो जाते हैं, वहीं 36,000 और 35,500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद हम पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से बेरिश हो चुके हैं कि अब जो हमारा मूवमेंट होगा यहाँ पूरी तरह से बेरिश साइड होगा। लेकिन अगर कल गैप ओपन होता है और यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है तो वो एक होल्ड वाले कैंडलस्टिक बनेगा, मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम है वो थोड़ा होल्ड हो सकता है। लेकिन अगर इस लो को ब्रेक करके कल नीचे क्लोजिंग देते हैं तो फिर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है कुछ दिनों के लिए। और जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट जोन बनता है, मतलब जो डिमांड जोन बनेगा, वो है 34,000 का लेवल। 34,000 लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा 35,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। फिर 34,000 के लेवल को जैसे हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम यहाँ पर इस लो को ब्रेक करने का, ये जो स्विंग का लो है इस स्विंग के लो को ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। तो जो स्विंग का लो है वो काफ़ी नीचे है, वो है लगभग यहाँ पर 32,200 के लेवल। 32,200 के लेवल
के ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी भी फ्री फॉल कर सकता है, जिसको हम मार्केट क्रैश कहते हैं। तो 32,200 का लेवल का हमें इंतजार होगा। 32,200 का लेवल जिस समय ब्रेक होता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्री फॉल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये व्यू मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, आपका व्यू अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने व्यू के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। चलिए स्टॉक्स किस में आप ट्रेड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होता है या मार्केट में कोई भी बेयरिश साइन दिखता है तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, वह एशियन पेंट। अगर ये कल आज के लो को ब्रेक करता है, आज का जो लो है कल उसको ब्रेक करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं विथ 1:1, 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। जो अगला स्टॉक है जिसे आप सेल कर सकते हैं अगर मार्केट निगेटिव आपको दिखता है तो वह है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर आप इसको भी सेल कर सकते हैं और 1:1, 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। फिर जो अगला स्टॉक है जिसको आप सेल कर सकते हैं वो है हेवेल्स। हेवेल्स जैसे ये 1240 के नीचे निकलता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं विथ 1:1, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। अगला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक देखिए आज इतने गिरावट वाले मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन अंत समय में यहाँ पर हमें गिरावट देखने वाला, जिसके कारण यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बना है ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना है, जो कि बेरिश साइन होता है, लेकिन तब होगा जब ये आज के जो लो है मतलब आज का जो ओपनिंग है उसको ब्रेक करे। अगर ब्रेक नहीं करता है, अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है और ये स्टॉक भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, मतलब आज का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर निकलता है, मतलब यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद आज के क्लोजिंग को ऊपर क्रॉस करता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं विथ टारगेट ऑफ 2 डेज हाई। आज का जो हाई है उसके टारगेट के साथ आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो ये स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में था गिरावट वाले मार्केट में। फिर अगला है ब्रिटेनिया। ये भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाया आज, इस स्टॉक को भी आप बाय करके चल सकते हैं अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। तो जैसे ये 3400 के लेवल को क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो 3400 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। और टारगेट जो यहाँ पर आप मैक्सिमम रख सकते हैं 1:2 का, मतलब जितना आपका रिस्क है उससे दोगुना आप टारगेट लेके चल सकते हैं विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाइएगा। तो ये बेहतरीन स्टॉक थे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।